Everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक पीजीपीपी और कवर करेंगे आज विच वीडियो के थ्रू सेक्शन 32AD. सेक्शन 32AD किससे डील करता है? ये डील करता है आपके इन्वेस्टमेंट से. इन्वेस्टमेंट यानी जो आपके पास पैसे बचे हैं और आपने इन्वेस्ट करने के लिए लगाए किस पे? किसी न्यू, एक नई प्लांट में या एक नई मशीनरी में. ठीक है, तो ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? ये हर एसएससी के लिए है, ऑल एसएससीज इसमें कवर आते हैं. ठीक है, आप आई होप आपको याद हो कि एसएससी की डेफिनेशन हमने सेपरेटली कवर की, प्लीज़ उसको एक बार जाके खुद रिव्यू करेंगे. तो ये एलिजिबल किसके लिए है? सारे एसएससीज के लिए एलिजिबल है. इसमें एसेट को एक्वायर यानी परचेज करना है प्लस इंस्टॉल करना है, दोनों काम हो जाने चाहिए उस ड्यूरेशन के अंदर. ठीक है, परचेज एंड इंस्टॉलेशन दोनों उस पीरियड के अंदर हो जाने चाहिए. तो ये हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक. ठीक है, एक्वायर एंड इंस्टॉलेशन दोनों हो चुका हो. ठीक है, क्योंकि आज की डेट में आप जहाँ रीड कर रहे होंगे तो वो 31 मार्च 2020 जा चुका होगा. तो वो जो आपकी नई प्लांट होगी या मशीनरी होगी वो इस ड्यूरेशन के बीच में परचेज भी की जा चुकी हो और इंस्टॉल भी की जा चुकी हो. ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं सेक्शन 32AD में. क्या कंडीशंस हैं? कि एसएससी जो है हमारा, एसएससी जो है वो जो अंडरटेकिंग है और या एंटरप्राइज है वो सेटअप हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015 के बाद. ठीक है, इसके बाद वो सेटअप होना चाहिए. ठीक है, कहाँ सेटअप होना चाहिए, एरिया कौन सी होगी? एरिया होगी बैकवर्ड एरिया. लेकिन हर जगह की बैकवर्ड एरिया नहीं कंसिडर होती, कुछ स्टेट्स की होती है. तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? पहला है आपका आंध्र प्रदेश, फिर है आपका बिहार, फिर है आपका तेलंगाना एंड द लास्ट इज वेस्ट बंगाल. ठीक है, इन सब स्टेट के बैकवर्ड एरिया में उसने वो एंटरप्राइज या वो अंडरटेकिंग जो है सेटअप की हो, जो कि 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद, यानी वो डेट भी इंक्लूड है. ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद वो अंडरटेकिंग सेटअप होनी चाहिए. ठीक है, और वहाँ पे वो सेटअप होने के बाद जो मशीन परचेज की हो या प्लांट परचेज की हो वो नया होना चाहिए और वो परचेज के बाद इंस्टॉल भी हो जाना चाहिए 31 मार्च 2020 के अंदर अंदर. ठीक है, कितना डिडक्शन मिलेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? तो जो भी एसेट है, जो नई एसेट परचेज की, उसका 15% 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है, 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट जो है नई एसेट की वो डिडक्शन हो जाना चाहिए. तो लास्ट ईयर अगर हम देखें डिडक्शन का तो क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका 2021-22 असेसमेंट ईयर. ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021-22 उसका लास्ट ईयर फॉल करेगा. ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, ब्रॉड कंडीशंस इस सेक्शन 32AD में वो देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले एसएससी एंगेज होना चाहिए. ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड उसकी इंगेजमेंट होनी चाहिए. सो मैन्युफैक्चर हो या प्रोडक्शन हो, कोई भी आर्टिकल वगैरह की. ठीक, फिर उसके बाद जो उसने नया एसेट परचेज किया है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है उसको 5 ईयर्स तक. ठीक है, उसको जो है वो जो न्यू एसेट उसने परचेज किया है, वो जो न्यू प्लांट या मशीनरी उसने परचेज की है, उसे वो ट्रांसफ़र नहीं करें. ठीक है, 5 ईयर्स तक. कौन कब से लेंगे ये 5 ईयर? डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से. डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से वो 5 ईयर्स को कंसिडर करेंगे. ठीक है, अगर कर देता है, ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसफर कर देता है विद इन 5 ईयर्स में, तो जो डिडक्शन मिला होगा ये 15% का यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिडक्शन मिला है, जो डिडक्शन मिला होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जिस ईयर में ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा. जिस भी ईयर में ट्रांसफर हो रहा होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, बट अगर केस डीमर्जर का है, एमलगमेशन का है, ठीक है, और तो उस केस में
ये चीज नहीं कंसिडर की जाएगी अगर वो जो नया एसेट है वो एक नई कंपनी के पास आ जाता है, रिजल्टिंग कंपनी के पास आ जाता है, न्यू कंपनी के पास आ जाता है, तो ठीक है, तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो नई एसेट्स जो है उसमें कौन कौन सी एसेट इंक्लूड होती है नहीं होती है, एक बार उसको देखेंगे, उसके बाद डिडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो न्यू एसेट क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या क्या होनी चाहिए न्यू एसेट के अंदर इंक्लूसिव। न्यू एसेट में आपका इंक्लूड है न्यू प्लांट या न्यू मशीनरी, लेकिन इसमें शिप और एयरक्राफ्ट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, मतलब स्पेसिफिकली शिप और एयरक्राफ्ट को निकाल दिया गया है। ठीक है, और न्यू प्लांट मशीन में क्या इंक्लूड नहीं होता है, डज नॉट इंक्लूड, और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, यूज्ड हो अगर तो, ठीक है, इंस्टॉलेशन से पहले वो यूज्ड हो, चाहे भारत में हो या बाहर किसी भी पर्सन की तरह, तो वो यूज्ड हो गया, यूज्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी ऑफिस प्रमाइसेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इंस्टॉलेशन है वो ऑफिस प्रमाइसेस में नहीं होनी चाहिए, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी गेस्ट हाउस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन सब एरियाज में, इन सब प्लेसेस पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफिस अप्लाइंसेस नहीं प्लांट एंड मशीनरी माने जाएंगे। अप्लाइंस ये तो एरिया के बारे में यूज की कि ऑफिस प्रमाइसेस में नहीं सेटअप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट अप्लाइंसेस की बात हो रही है, ऑफिस से रिलेटेड अप्लाइंसेस को नहीं माना जाएगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, लाइक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो चीज। ठीक, और क्या होगा, किसी भी प्रकार का व्हीकल, उसे भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उनको भी नहीं लिया जाएगा, उन चीजों को भी नहीं लिया जाएगा जिसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कहीं और डिडक्शन के लिए अलाउड है या कहीं और डिडक्शन के लिए कंसिडर किया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो सेक्शन 32AD इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, मैंने आपको थ्योरी पूरी एक्सप्लेन कर दी है, प्रैक्टिकली क्या है हम आपको PNL बनाते हैं। प्लीज़ आई होप आपने स्टार्टिंग से PGBP का चैप्टर देखा होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटी बातें थी लेकिन जो ध्यान से जनरली स्टूडेंट न्यूमेरिकल करने जाता है तो निकल जाती हैं, उनको कवर कराया है, तो आप उनको देखने के बाद ही इस वीडियो को देख रहे हो। तो PNL जब बनता है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस यानी अपने खर्चे देखते हैं और यहाँ पे रेवेन्यूज या प्रॉफिट्स नजर आते हैं, यहाँ पे कंपनी का इनफ्लो होता है या इंडिविजुअल का इनफ्लो होता है, यहाँ पे आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो बोला कि 15% डिडक्शन है एक्चुअल कॉस्ट का, ठीक, तो PNL में क्या होगा इसका रिएक्शन कि यहाँ पे 50% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, यानी वो प्रॉफिट से रिड्यूस होकर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब मैंने बोला कि विद इन 5 ईयर्स में इसको ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, कहीं और दे दिया है अदर देन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, तो ये क्या है, फिर टैक्सेबल हो जाएगा कब, जिस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है, जिस भी ईयर में वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी जिस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है उस प्रीवियस ईयर का PNL जब बनेगा। ठीक, तो ये जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे माइनस नहीं होके यहाँ पे आके एड बैक हो जाएगा, प्रॉफिट का पार्ट बच जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये बेसिक चीज क्लियर है, जिनको डाउट है प्लीज PGBP के स्टार्टिंग से लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्विक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए, भाई नर्सरी में ABCD पढ़ते हो तभी तो बड़े में आके उसको जोड़ के वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाना सीखते हो, है ना, तो दैट्स वाई द सेम गोज विद द एवरी चैप्टर। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना, रटना नहीं है सारी चीजों को, भाई देखिए प्रोविजन और कंडीशन तो रटने के अलावा चांसेस नहीं है, डेट्स रटने के अलावा चांसेस नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को मत रटे। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर, उसको फील कर एज अ बिजनेस मैन कि ये आपके साथ हो रहा है, तो आप एक बिजनेस मैन है, आप एक SSC एक इंडिविजुअल है सपोज, ठीक है, तो क्या ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, हाँ ये मेरे साथ साथ हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। मुझे क्या करना होगा, इन सब स्टेट्स के अंदर कोई जो बैकवर्ड एरिया होगी वहां पे मुझे कोई प्लांट और मशीनरी परचेज करके इंस्टॉल कर लेनी है 31 मार्च 2020 के अंदर। अगर मैंने इंस्टॉल कर ली है तो मैंने को ये मेरा बिजनेस जो है वो 1 अप्रैल 2015 के बाद ही स्टार्ट होना चाहिए, तो मुझे क्या होगा, 15% जो है एक्चुअल कॉस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है,
ये कौन कौन सी मेरी एसेट का पार्ट बनेगा, कौन कौन सा नहीं बनेगा, वो सारी चीजें। तो यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग द टैक्सेशन, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, रटने की जरूरत नहीं होगी और बहुत ही लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में वो सेट रहेगा। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी सेक्शन 32AD। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।